CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है एंड हम आशा करते हैं कि इस पूरे महीने जैसे हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में, आप कुछ नया सीख रहे हैं और आज भी कुछ नया सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रार्थना के बारे में। परमेश्वर की मदद से हमारा भी जो प्रार्थना का जीवन है वो और सही होता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। राइट, जैसे हम बात करते हैं कभी कभार जब हम मुश्किल में आते हैं तो हम अपना सारा कंसंट्रेशन उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। और सबके जीवन में प्रॉब्लम तो आता है, नन ऑफ अस आर इम्यून टू प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? शुड वी फोकस ओनली ऑन द प्रॉब्लम और शुड वी फोकस ऑन प्रेइंग एंड आस्किंग गॉड to help us with wisdom to get out of the situation? That is so true Debbie, because बाकी दोस्तों जैसे कि डेबी ने बताया कि मुश्किलें तो हम सबके जीवन में आती हैं और हमारा पहला रिएक्शन ही यही होता है कि हम प्रॉब्लम की ओर अपना ध्यान डाल देते हैं और बहुत चिंता करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना फोकस प्रॉब्लम की ओर ना डालते हुए अगर हम उस परमेश्वर की ओर डालें जो सब कुछ कर सकता है, हमें उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकता है, तो कैसे हमारा जीवन बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारी रिएक्शंस बदलेंगे। राइट दोस्तों, हम इस विषय के बारे में और बात करेंगे, पर इससे पहले तैयार हो जाइए पहचान कौन के लिए। दोस्तों, जब नहमाया को पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है तो नहमाया ने सबसे पहले क्या किया? ऑप्शन ए, विलाप के साथ साथ प्रार्थना और उपवास किया। ऑप्शन दो, राजा के पास वो गया। ऑप्शन थ्री, उसने यरूशलेम जाने की तैयारी की। ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी जवाब। दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो मेक श्योर आप हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल पे आज के एपिसोड पे कमेंट ज़रूर करिएगा। जी दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सही जवाब का। और जैसे कि आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाते हैं तब हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मदद मांगनी है। तो आइए देखें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं संदीप श्रीवास्तव से, जो अपने जीवन में बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे थे और वो कैसे इस मुश्किल घड़ी से और इस मुश्किल समय से कैसे निकले, आइए देखते हैं। और दोस्तों, ये कहानी आपके लेकर आ रही है हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार। इलाहाबाद के रहने वाले संदीप और उनके परिवार पर अचानक मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। जब मैं 17-18 साल का था तो मेरे भाई और मेरी भाभी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे और उन लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारा परिवार बहुत डिस्टर्ब होता था। अचानक एक दिन भाभी हमारी घर छोड़ के चली गई और घर से निकल जाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा किया और दहेज के मुकदमे के बाद हमारा पूरा परिवार इधर उधर बिखर सा गया। बिल्कुल सब लोग परेशान हो गए। नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले आके हमें परेशान करने लगे। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद समाज ने हमारी सच्चाई जानना मुनासिब नहीं समझा। समाज के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने हमें दुत्कारना चालू कर दिया। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने कॉलोनी से निकलता था तो लोग देख के हमें हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं उन बच्चों के साथ जिनके साथ मैं खेलता था, उन लोगों ने भी मुझसे बात भी करना गवारा नहीं समझते थे। वो संदीप घर में छोटे होने की वजह से अपने परिवार पर आई परेशानियों को देखते हुए बहुत चिंता किया करते थे। इसी कारण अक्सर वो दुखी रहते थे। इन हालातों के चलते मेरे परिवार के दिलो दिमाग पर इतना जोर पड़ा कि मेरी बहन बीमार सी पड़ने लगी। अभी तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे, लेकिन अब मेंटली भी होना चालू हो गए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज जैसे नामुमकिन सा हो गया था। सुख, शांति, चैन परिवार से खत्म हो गया था। हमारे हालात को देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता था कि घर छोड़कर चला जाऊं। समय गुजरता चला गया, लेकिन हालात चाहे कैसे भी रहे हों, संदीप ने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। इन परिस्थितियों के बीच हमारे पड़ोस में एक मसीह आंटी रहती थी और हमारे घर वो आई और उन्होंने बताया कि मैं आपकी सारी परिस्थितियों को जानती हूँ, सारी सच्चाइयों को जानती हूँ, और मैंने आपकी बेटी की हालत को देखी है, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। पर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करो, अगर आप उसके नाम से दुआ कराओ, तो आपकी बेटी और आपका परिवार जो बिखरा हुआ है वो उसमें सुधार आएगा, वो सुधर जाएगा। हम लोग उस कंडीशन में थे कि हम ना तो बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारा परिवार तो टूटा था। कहावत कहते ना, मरता क्या ना करता। हमने कहा हाँ, हम विश्वास करते हैं, और उन्होंने हमारे परिवार के लिए दुआ करना चालू किया। उस प्रार्थना के बाद मैंने देखा कि मेरी बहन की तबीयत में कुछ सुधार सा आने लगा, कुछ अच्छा सा फील करने लगी वो। उसके बाद हम लोगों ने दवा तो करते ही रहे, पर हम लोगों ने दुआ भी करना चालू किया, और धीरे धीरे मैंने इसमें पाया कि डॉक्टर की दवा और दुआ के बदौलत उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया। जब मैंने अपनी बहन की तबीयत में सुधार देखा तो मैं अपनी आत्मा में ये बात समझ गया कि शायद सच्चा परमेश्वर यही है, और मैं अपना ज़्यादातर समय परमेश्वर के वचन में देना चालू कर दिया। मेरी बहन भी मेरा साथ देने लगी, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक कलीसिया को ज्वाइन किया और हम लोग कलीसिया जाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी और परिवार में भी बदलाव होने लगे, और इसी दौरान एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो एक वचन ने उनके विश्वास को और बढ़ावा दिया। प्रेरितों का काम अध्याय 16:31 आयत में वहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जो तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे ये बात एहसास हुआ कि जो परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, जो मेरी बहन को ठीक कर सकता है, जो मेरे टूटे हुए परिवार को एक कर सकता है, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। उसके बाद मेरी बहन और मेरे पूरे परिवार ने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया, और हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। इसके बाद कुछ समय इलाहाबाद में बिताने के बाद संदीप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते थे, और वो नौकरी की तलाश में इलाहाबाद को छोड़कर गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद आने के बाद मैंने कलीसिया को ज्वाइन किया। खुदा बाप ने मुझे आत्मिक तौर पे तो बहुत बढ़ाया, पर दुनियावी तौर से भी बहुत बढ़ाया। मैंने एक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद एक न्यूज़ चैनल में बतौर वीडियो एडिटर मैंने नौकरी ज्वाइन करी, और कई सालों तक मैं वहाँ एक काम करता रहा। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, और ये सारी चीजें हो पाई सिर्फ एक प्रार्थना के बदौलत। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। वाकई बहुत सारी मुश्किलों से आप अपने जीवन में गुजरे। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपके जीवन से हमने और हमारे दर्शकों ने बहुत इंकरेजमेंट पाई है, क्योंकि हमने जाना है कि किस तरह With prayer and with the Lord's help, हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। जैसे कि कहानी में भी हमने देखा कि whatever the situation is, इतने मुश्किल समय से गुजरे, पर तब भी उन्होंने प्रार्थना किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, he was able to come out of his situation। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी में हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना से हमारी जो मुश्किल परिस्थितियाँ हैं वो बदल सकती हैं। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं, अपने दिल का हाल हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। परमेश्वर जीवित, सामर्थी और प्रेमी पिता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार प्रार्थना नहीं करते। दोस्तों, आइए आज हम दाऊद के जीवन से एक सच्ची कहानी देखें, जो हम बाइबल में 1 सामुएल उसके 30वें चैप्टर में पढ़ते हैं। दाऊद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं, उसके बहुत सारे दुश्मन थे। एक बार जब वो फिलिस्तियों के देश में रह रहा था, उनके बीच में जब वो रह रहा था, तब उसके दुश्मन आकर उसके और उसके साथियों का जो घर है वो जला देते हैं। वो पूरा टाउनशिप वो जला देते हैं, उनका सारा सामान, परिवार को अपने साथ वो ले जाते हैं। ऐसे में दाऊद बहुत परेशान हो जाता है। इस सिचुएशन के लिए दाऊद के जो साथी हैं वो दाऊद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और वो कहते हैं कि हम दाऊद को पत्थरवाह करेंगे। वो बहुत गुस्से में होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद बहुत ही संकट में पड़ा हुआ था, अकेला था, परेशान था, थका हुआ और वो रो रहा था। आइए देखते हैं दोस्तों कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में दाऊद ने क्या किया। आइए पढ़ते हैं 1 सामुएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इसी के साथ हम पढ़ेंगे वचन 8 जो कहता है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। दोस्तों, दाऊद ने परमेश्वर की बात मानी और जैसा परमेश्वर ने कहा दाऊद ने वैसा ही किया। और अंत में हम पढ़ते हैं कि दाऊद और उसके साथियों को का जो भी सामान था, परिवार जो दुश्मन ले गए थे, वो सब का सब दाऊद लौटा लाया। दाऊद ने अपने परिवार को छुड़ा लिया और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो दुश्मन ले गए थे वो दाऊद ने वापस ले ली। बाइबल कहती है डेविड रिकवर्ड ऑल। अपने संकट में दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया, हियाव बांधा, ही स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ, परमेश्वर से मदद मांगी, उनके बताए रास्ते पर वो चला और अपना खोया हुआ सब कुछ उसने वापस हासिल कर लिया। दाऊद की तरह दोस्तों आज आप भी अपने चैलेंजेस में जयवंत होकर निकल सकते हैं। दाऊद का परमेश्वर हमारा भी तो परमेश्वर है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो आइए दोस्तों, आज हम भी दाऊद की तरह कहें कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। इसलिए हम अपनी मुश्किलों में क्या करें? हम प्रार्थना करें। बिल्कुल सही कहा रेबेका। अगर दोस्तों अगर आप भी कोई भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है, लेफ्ट राइट, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मेक श्योर यू कॉल अस, वी वॉन्ट टू प्रे विथ यू। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप हमारे नंबर 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वी वॉन्ट टू स्टैंड विथ यू इन प्रेयर एंड आस्क गॉड टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू आर इन। यस फ्रेंड्स, इजंट इट वंडरफुल जब कोई हमें कहता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? हाउ कम्फर्टिंग इज दैट! कितना अच्छा लगता है। और हमने जाना है कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। तो आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और आप भी हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें। अब समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। जब शब्द कम पड़े अपने टीचर को धन्यवाद के लिए, तो संगीत के माध्यम से आप अपने टीचर का धन्यवाद कर सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर इस बार टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप अपने टीचर को कोई भी गीत प्लेलिस्ट से चुनकर गिफ्ट कर सकते हैं। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में प्रार्थना के सामर्थ्य को जानते हुए हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ पाते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपने ब्रेक में देखा, इफ़ यू वुड लाइक टू गिफ्ट अ सॉन्ग टू योर फेवरेट टीचर, मेक श्योर यू गो टू cbnindia.org एंड स्पेशल ऑफर्स में जाए एंड वहाँ पे अपने फेवरेट टीचर के लिए गिफ्ट करें। दिस इज अ वंडरफुल गिफ्ट यू कैन गिव देम। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल। टीचर्स यू नो क्रिएट सच एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। बचपन से ही हम अपने टीचर से कितना कुछ सीखते हैं, तो कितना अच्छा है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम ना गंवाएं और अपने टीचर्स को हम वी ऑनर देम एंड वी डेडिकेट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग टू देम। दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और आइए दोस्तों, इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मदद मांगे। आज हम सीख रहे हैं कि अपनी मुश्किल परिस्थितियों में हमें अपनी परिस्थितियों की ओर नज़र नहीं लगानी है, पर हमें परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगानी है, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है। वही तो है हमारा मददगार। आइए दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और आपसे मांगते हैं कि हम सब के जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हम सब के जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, हम मांगते हैं कि आप हमारी मदद करें कि हम हार न माने, पर हम प्रार्थना करें, हम विश्वास के साथ आपके पास आएं और आपसे मदद पाकर हम इन चैलेंजेस पर विक्ट्री पा सकें, जय पा सकें। हम जानते हैं कि इन सब बातों को आपने हमारे जीवन में किसी मकसद से होने दिया है। इन चैलेंजेस के द्वारा भी आप हमें अपने नज़दीक लेकर आ रहे हैं, हमारे जीवन को आप और रिफाइन कर रहे हैं, हमें और आप अपनी तरह बनाते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमारी मुश्किलों में आप हमारे साथ हैं, आपने हमें छोड़ा नहीं है, आप हमारे और भी करीब हैं, आपने हमें अपने बहुत करीब रखा हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं कि हम और हमारे दर्शक बिल्कुल हार नहीं माने, पर हमारा ध्यान आपकी ओर हो। हमारी जो भी रिक्वेस्ट है हम आपके पास लेकर के आएँ और आपकी मदद को हम सब अपने जीवन में रोज़ाना, हर समय, हर मुश्किल परिस्थिति में हम एक्सपीरियंस करते रहें। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई अच्छी बात नहीं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं दैट गॉड इज़ आवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। हमारी मुश्किलों में वो हमारे साथ है, हमारे बहुत करीब है। तो आइए दोस्तों, हम अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी मुश्किलों की ओर नहीं। दोस्तों, जैसे कि रेबेका ने बताया कि बाइबल में बहुत सारे वचन हैं दैट टॉक्स अबाउट लेइंग ऑल योर बर्डन्स एंड गिविंग ऑल योर बर्डन्स टू द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है इसके बारे में, अबाउट प्रेइंग एंड गिविंग एवरीथिंग एट द फीट ऑफ जीसस। कितने खूबसूरत तरीके से बाइबल हमें सिखाती है, जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करें तो हमारा घराना उद्धार पाएगा। नॉट ओनली फाइंड सैल्वेशन फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर आवर फैमिली एंड यू विल फाइंड फ्रीडम फ्रॉम योर सिचुएशन इन लाइफ। यस इंडीड फ्रेंड्स, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें स्वतंत्रता मिलती है, अपने सब चैलेंजेस पर हम विजय पाते हैं। और इसी के साथ समय है कि हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज हम चर्च ऑफ क्राइस्ट बिलासपुर के पासवान जो है रेवरेंड निखिल पॉल, इनके साथ मुलाकात करेंगे और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि अगर कोई बीमार है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देयर इज पावर इन प्रेइंग ओवर अ सिक पर्सन। तो अभी हमारे साथ जुड़े 9910401010 पर CBN प्रेयर लाइन पे हमें कॉल करें। लेट्स जॉइन टुगेदर टू फाइंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम सिकनेस विद विक्ट्री। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि मुश्किलें हम सबके जीवन में हैं, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, पर अपनी मुश्किलों में हम क्या करते हैं? हम अपनी मुश्किलों की ओर ध्यान देते हैं या अपना ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांगते हैं? दोस्तों, और आज हम मिलने जा रहे हैं बिलासपुर के चर्च ऑफ क्राइस्ट के पास्टर रेवरेंड निखिल पॉल जी से। इस पूरे हफ्ते भी हमने उनके चर्च के क्वायर्स के द्वारा बहुत आशीष पाया है, तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनके जीवन से और उनकी सेवकाई से और उनके बारे में और जानेंगे। मैं बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुआ और प्रभु को संडे स्कूल के द्वारा से और यूथ सभा के द्वारा से बहुत अच्छे से प्रभु को मैं जानने लगा और मेरे माता पिता का ध्येय था कि मैं प्रभु की सेवकाई में आऊं और मैं हमेशा भागता था कि बाहर से मैं सेवकाई करूं। 12 साल में आईटी फील्ड में था। 84 में मेरी माताजी का निधन हुआ और 2005 में मेरे पिताजी जो हैं वो प्रभु में सो गए और उसके बाद चर्च सेवकाई में जो प्राचीन हमारे थे वो चाहते थे कि मैं पूरी तरीके से प्रभु की सेवा में आऊं और ये तब भी मैं डिनाई करता रहा, लेकिन अचानक से प्रभु ने मुझसे इस बात को वचन के द्वारा से कहा, मैंने तुझे चुना है। और इसलिए तत्काल मैंने स्ट्राइक किया और मैंने सोचा कि क्यों ना अब प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करूं। जो प्रभु की सेवकाई में जब से मैंने प्रारंभ किया, प्रभु ने अद्भुत शांति हमें दी और प्रभु ने अपना भरोसा हम पर करने का अवसर दिया। हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं, लेकिन हमने प्रभु पर भरोसा किया। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रभु ने चुना और बहुत सी जगहों में आसपास के विलेजेस में भी जाकर के हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। 1999 में मेरी मैरिज हुई और मेरी वाइफ ग्रेस पॉल और हम दोनों एक साथ 1999 में मिशन स्टार्ट किए और चिल्ड्रन मिनिस्ट्री से अपनी सेवा प्रारंभ की और उसके बाद यूथ मिनिस्ट्री किए। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सीबीएन के लिए, जिन्होंने इस माध्यम को बनाया कि चर्च और क्वायर जो है वो साथ आ सके विभिन्न क्षेत्रों से। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी सोच के लिए जो प्रभु ने ही उनके मन में डाला और वो आज हमारे साथ हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीबीएन का, जिसके द्वारा से गीतों के माध्यम से प्रभु की महिमा और वचन के माध्यम से लोगों तक सुसमाचार प्रसारित किया जा रहा है और एक क्वायर को जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि प्रभु की महिमा के लिए चर्च क्वायर जो है वो तैयार रहने पाए। मैं हृदय से आभारी हूँ सीबीएन की पूरी टीम से। थैंक यू सो मच रेवरेंड निखिल पॉल कि आपने अपनी कहानी बताई, अपने जीवन के बारे में बताया हमें। थैंक यू सो मच। वी आर सो एनकरेज्ड listening to you and about your ministry. God bless you. Yes, indeed, God bless you. परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे और आपके जीवन को और आपकी सेवकाई को बहुत आशीषित करे। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने इंकरेजमेंट पाई है और हमने जाना है कि अपनी मुश्किल परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के पास आना है और प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हमें मदद मांगनी है। दाऊद के जीवन से हमने देखा कि जब दाऊद संकट में पड़ा, बहुत भारी संकट में वो था, तब उसने क्या किया? वो परमेश्वर के पास आया। उसने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर कर दिया और परमेश्वर में उसने हियाव बांधा, प्रार्थना की, परमेश्वर से उसने मदद पाई और उस मदद को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वो अपनी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आ सका। आइए हम भी हर बात के लिए, हर मुश्किल के लिए परमेश्वर के पास आएं। वो हमारा प्रेमी पिता है, वो हमारा मददगार है। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, हम अकेले नहीं हैं। इफ़ वी प्रे, व्हेन वी प्रे एंड आस्क गॉड, ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विद अस। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हर पल हमारे साथ है। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है कि ले हम आपसे इजाज़त। और आज बिलासपुर के चर्च ऑफ क्राइस्ट की कोयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, धन्य धन्य यीशु नाम। आइए हम सब मिलकर इनके साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्य कहें। और ये गीत लेके आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग एंड आई होप आप सब इस गाने को एंजॉय करें। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।